नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी निर्वाण। आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों से। शुक्रवार शाम 7 बजे शहर नकली लोकायुक्त पुलिस की टीम बनकर नागरिक बैंक के मैनेजर हरिओम भावसार के घर पहुंचकर उनसे आय से ज्यादा संपत्ति का कहकर उन पर कार्यवाही की बात की गई। जब बैंक मैनेजर ने आनंद फानंद में उनसे कहा कि आप नोटिस बताइए, तो उन्होंने नोटिस का कोई एक कागज दिखाकर उनसे रुपयों की पेशकश की और मामला रफा दफा करने का आश्वासन दिया। लेकिन बैंक मैनेजर की सूझबूझ उस समय काम आई जब उन्होंने अपने मिलने वाले और रिश्तेदारों को फोन लगाकर घटना की सूचना दे डाली। जैसे ही उनके घर में रिश्तेदार पहुंचने लगे तो आनंद फानंद में तीनों आरोपियों ने भागना शुरू कर दिया, जिसमें एक आरोपी भागने में सफल हो गया तो दो को मोहल्ले वालों और रिश्तेदारों ने पकड़ लिया और धुनाई कर डाली और पुलिस के हवाले भी कर दिया। लेकिन बड़ी बात तो यह है कि शहर में दो थाने हैं और बैंक मैनेजर का मकान भी शहर में बीचों बीच स्थित है। इस तरह की घटना को कहीं ना कहीं पुलिस का खौफ ना होना दर्शाता है। वहीं जब हमने इस संबंध में देहात थाने के प्रभारी राजेंद्र सिंह से जानकारी लेनी चाही तो उन्होंने कहा कि मेरे पास जानकारी देने के लिए टाइम नहीं है और आरोपियों को वे कुर्सी पर बिठाकर पूछताछ कर रहे थे। बता दें कि दो युवक निकेत शर्मा व आरपी मालवीय को एक सफ़ेद रंग की पजेरो स्पोर्ट गाड़ी जिस पर हुटर लगे हैं, साथ ही एक लोकायुक्त पुलिस डीएसपी योगेश खुरचानिया के आईडी कार्ड के साथ गिरफ्तार किया गया, जबकि एक युवक फरार बताया जा रहा है। नगर में उस समय सनसनी मच गई जब खबर लगी कि शाम करीब 7 बजे नागरिक बैंक शाखा प्रबंधक हरिओम भावसार के निवास पर तीन युवक पहुंचे और भावसार से लोकायुक्त पुलिस का हवाला देते हुए कहा कि मैं डीएसडी लोकायुक्त योगेश खुरचानिया हूं, आपके विरुद्ध लोकायुक्त में आय से अधिक संपत्ति का मामला है, आप स्पष्टीकरण दीजिए। भावसार ने बताया कि उन्होंने कहा कि मेरी पूरी जांच हो चुकी है, मैं दस्तावेज दे सकता हूं। इस वार्तालाप के बीच शाखा प्रबंधक के और भी मित्र आ गए। जैसे ही और लोग आए, यह संदिग्ध युवक भाग खड़े हुए। एक युवक भाग गया जबकि दो लोग पकड़े गए जिन्हें देहात थाना पुलिस के हवाले किया गया है। पूरे मामले में नागरिक बैंक के शाखा प्रबंधक भावसार ने बताया कि यह तीनों युवक फर्जी प्रतीत होते हैं। आरोपी अपने साथ पजेरो स्पोर्ट गाड़ी से आए हुए थे जिस पर हुटर लगे हुए हैं, साथ ही गाड़ी पर एक लाल रंग की पट्टी आगे व पीछे दोनों ओर लगी हुई है जिस पर हाईकोर्ट लिखा हुआ है। पूरा मामला संदिग्ध प्रतीत होता है। देखिए बलराम मेहता की ये खास रिपोर्ट।